हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है लखनऊ की सरजमी यूट्यूब चैनल पर। तो यार आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ के हनुमत धाम पर और बजरंगबली बाबा के तो आप सभी लोग भक्त होंगे। और इस समय आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, सभी लोग हनुमत धाम पर घूम के जा रहे हैं, वहाँ की वीडियोस वगैरह दिखा रहे हैं, आपका भी मन करता होगा। तो आज मैं आपको पूरा रास्ता दिखाते हुए चलूंगा कि किस तरीके से आप लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और बाकी इस समय हम लोग हैं औरंगाबाद में, ये नया वाला ब्रिज बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इस साइड में है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और अभी हम लोग इस तरफ चलेंगे, ये बंगला बाजार की तरफ रोड जाती है, अब हम लोग यहीं से चलेंगे और फिर आपको पूरा रास्ता दिखाते हुए चलेंगे। और बाकी चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो अभी हम लोग हैं कैंट एरिया में और ये है पूर्ति डिपो, इसे बूचड़ी मैदान भी कहते हैं, यहाँ पर सभी आर्मी के जवान रहते हैं और ये एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, सर्दी हो या गर्मी हमेशा आपको ये एरिया ठंडा ही मिलेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं महाराणा प्रताप चौराहे पर, इस चौराहे को महाराणा प्रताप चौराहा कहते हैं और यहीं सीधे जाने पर हजरतगंज पहुँच जाएंगे हम लोग। हम लोग पहुँच चुके हैं कैसरबाग चौराहे पर और इधर ही से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कैसरबाग बस अड्डा मिल जाएगा और इस साइड में जब चलेंगे राइट हैंड साइड में तो इधर से डालीगंज की रास्ता मिल जाएगा, इधर ही आपका हनुमत धाम और हनुमान सेतु मंदिर पड़ेगा, तो हम लोग इधर से ही चलेंगे। दोस्तों ये रास्ता जो आप सामने देख रहे हैं, ये रास्ता हनुमान सेतु के लिए जा रहा है, लेकिन हमें जाना है हनुमत धाम, तो हम इस तरफ से चलेंगे क्योंकि हमें जाना है पुल के नीचे, पुल के ऊपर नहीं। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमत धाम पर और यहां पर आप लोग पार्किंग कर सकते हैं और कोई ऐसा चार्ज नहीं है पार्किंग वगैरह का, कोई चीज़ नहीं है। तो अभी हम लोग यहां से एंट्री करेंगे, ये रहा मेन गेट इधर। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग अंदर एंट्री करेंगे राइट हैंड साइड में प्रथम पूज्य गणेश जी की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी और ठीक सामने बजरंगबली बाबा का मंदिर है जो कि प्रथम गर्भगृह है और उसी के बगल में द्वितीय गर्भगृह है जिसमें महादेव हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग यहां का सीन देख सकते हैं, सभी लोग यहां पर दर्शन के लिए आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई क्योंकि आज संडे का दिन है, बहुत सारी पब्लिक आई हुई है यहाँ पर दर्शन के लिए और सडनली यहाँ पर बारिश होना शुरू हो गई, ये आप देख सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो कितने तेज़ धूप निकली थी, मेरी आंखें में नहीं खुल रही थी और इस समय यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हम लोग रुक सकें, भाई भीग रहा है तो देख सकते हैं आप लोग, बारिश हो रही है तो अभी हम लोग चलते हैं कहीं पर रुकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रथम गर्भगृह के लिए और अंदर जाएंगे तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर राम दरबार का चित्र बना हुआ है जिसमें राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण जी ये सभी लोग हैं और ठीक सामने बजरंगबली बाबा का चित्र भी बना हुआ है जहाँ पर बजरंगबली बाबा वीड़ा लेकर के झूम रहे हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सामने हैं बैठे हुए हैं हमारे बजरंगबली बाबा, भाई चलते हैं हम लोग दर्शन करते हैं।
तो दोस्तों पहली बात तो ये जो प्रतिमा है बजरंगबली बाबा की बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है, और दूसरा ये जो मुकुट रखा है प्यारा सा वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। और इस मंदिर में यहाँ पर आपको राम भगवान, सीता मैया और लक्ष्मण जी की प्रतिमा भी मिल जाएगी राइट हैंड साइड पर। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर शिव भगवान, पार्वती माता और गणेश जी भी साथ में देखने को मिल जाएंगे। और बाकी दोस्तों इस मंदिर की खूबसूरती को आप लोग बाहर से देख सकते हैं। और ये मंदिर लखनऊ के पहले 5-स्टार होटल क्लॉर्क अवध के बैक साइड में बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये होटल क्लॉर्क अवध है। तो दोस्तों अब बात आती है दूसरे गर्भगृह की। दूसरा गर्भगृह पहले गर्भगृह के जस्ट बगल में ही आपको देखने को मिल जाएगा। और ये वाला जो गर्भगृह है ये शंकर भगवान का गर्भगृह है, ये शंकर भगवान का मंदिर है। यहाँ पर आपको शिवलिंग मिल जाएगी और यहाँ पर आप लोग पूजा वूजा कर सकते हैं। और शिवलिंग के जस्ट ऊपर ही आपको यहाँ पर शिव, शंकर भगवान, पार्वती माता और गणेश जी देखने को मिल जाएंगे। और जस्ट बगल में ही आपको बजरंगबली बाबा की मूर्ति मिल जाएगी, जो कि शिवलिंग को बड़े ही प्यार से पकड़े हुए हैं। और ऐसी मूर्ति लेफ्ट हैंड साइड में भी है। और दोस्तों जैसे ही आप लोग बाहर निकलेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर आपको दुर्गा माता जी की मूर्ति मिल जाएगी, और बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है दुर्गा माता की, याद देखिए। और बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको हर तरफ बजरंगबली बाबा की मूर्ति देखने को मिल जाएगी, और काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। तो आइए चलते हैं हम लोग नीचे की तरफ, गोमती नदी की तरफ। तो ये रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, आइए चलते हैं नीचे। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पर। और ये जो पीछे मंदिर है यही पुराना मंदिर है हनुमान जी का। और ये वाला जो नया मंदिर अभी बना हुआ है, जिसके अंदर से अभी हम लोग होकर के आ रहे हैं, ये मंदिर अभी जुलाई 2022 से स्टार्टिंग हुई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया है। और बाकी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं गोमती रिवर है यहाँ पर। और इस साइड में आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कलाकृति की गई है। ये देखिए मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। और दोस्तों जब यहाँ पर रात के समय में लाइटें जलती हैं, तो यहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत और मनमोहक हो जाता है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इस समय हूँ गोमती नदी के बगल में, और इस साइड में जा रही है मेट्रो, बिल्कुल खाली खाली मेट्रो। तो दोस्तों यहाँ पर आकर के आपको सभी भगवानों की बहुत ही प्यारी प्यारी प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हैं सरस्वती माता की कितनी प्यारी प्रतिमा है। और यहाँ पर आपको बजरंगबली बाबा की हज़ारों मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी, छोटी बड़ी हर तरह की मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। और बताया जाता है कि यहाँ पर करीब 125,000 मूर्तियाँ हैं, छोटी बड़ी हर तरह की मूर्तियाँ मिला करके करीब 125,000 मूर्तियाँ हैं। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसको अच्छे से बनाया गया है, कितनी ज़्यादा इसमें कलाकृति की गई है। 125,000 मूर्तियाँ इसमें बताया जाता है कि लगाई गई हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें मेहनत की गई है।
और दोस्तों यहाँ तक आए हैं तो यहाँ पर जो पुराना मंदिर बना हुआ है वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर आइएगा। यहाँ पर आपको बजरंगबली बाबा का मंदिर मिल जाएगा, यहाँ पर शनिदेव महाराज का मंदिर देखने को मिल जाएगा आपको। और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में कुछ अलग सा ही फीलिंग आएगी आपको, तो यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर आइएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ में अपने शेयर कर दीजिए। और बाकी दोस्तों मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत।